जय शनि देवी। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रुक्मिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको वो ज्ञान देने का प्रयास करते हैं जिससे आपका जीवन और समृद्ध और भाग्यशाली बन सके। आप जीवन में जो उपयोगी ज्ञान है, जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या, अपनी खोज द्वारा, अपनी रिसर्च द्वारा प्राप्त किया, उन सभी को अपने जीवन में उतारते हुए, प्रयोग करते हुए अपने जीवन को और बेहतर बना सके। बड़ी हैरानगी की बात है, जब पहली बार विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करने आए, सबसे पहले उन्हें रिसर्च करने के लिए अपने यहाँ से लोगों को भेजा और उनके रिसर्च पेपर में आज भी ये अंकित है, उनकी लाइब्रेरीज में है कि उस समय भारतवर्ष में, भारत भूमि पर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, अनएम्प्लॉयड नहीं था। हर कोई अपने अपने कार्य में लगा था, कोई ना कोई जीवन उपार्जन का उनके पास जरिया था, कोई ना कोई कार्य वो करते थे, कोई भी बेरोजगार नहीं था और ना ही कोई अशिक्षित था, कोई भी इलिटरेट नहीं था। सभी लोग पढ़े हुए थे, साक्षर थे। इस ज्ञान को देने का यही हमारा उद्देश्य है, यही मेरी कामना है कि फिर से हमारा भारतवर्ष ऐसा हो जाए, इस पूरी दुनिया में सबसे उज्जवल हो, जैसा कीर्तिमान सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था फिर कहा जाए। हमारे देश में, हमारे इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि पर कोई भी बच्चा भूखा न सोए, किसी के भी ऊपर सर पे कर्जा ना, सब किसी के जीवन में उनके उपयोगिता जितना धन उनके पास अवश्य हो, किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सबके पास काम हो, बेरोजगारी ना हो, भूखे ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना, सब लोग ज्ञान अपने जीवन में सजोए हुए हो, अज्ञान को ना प्राप्त करे, इस गुरु रुक्मिणी का यही इच्छा है, यही मनोकामना है। और इसी के लिए हम अपने इस YouTube चैनल से आप सभी लोगों के लिए इन वीडियोस को लेकर के आते हैं, ताकि हम फिर से अपने देश को, अपने देश के हर एक नागरिक को फिर से समृद्ध बना सके, फिर से भाग्यशाली बना सके, उन्नत बना सके, सक्सेसफुल बना सके। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है राशि के विषय में। बहुत से लोग राशि को लेके भ्रमित रहते हैं, भ्रांति में रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है उनकी राशि कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके नाम के अक्षर अनुसार आपकी राशि बताऊंगी कि आपकी असली राशि क्या है। आप जन्म कुंडली में स्वयं अपनी राशि कैसे देख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी जन्म कुंडली में बहुत ही आसान तरीके से कैसे अपनी राशि स्वयं देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो राशि को किस प्रकार से देखें ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से राशि के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो। अगर आपने हमारा ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइब पेज पे जाके उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन, घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाई देने लगे। इसके साथ ही हमारे जो 3000 से ज्यादा इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं उनको भी आप देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनमें बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आपके लिए या आपके परिवार के लिए या आपके मित्रों के लिए बहुत ही काम आएंगे। राशि की चर्चा करने से पहले एक ज्ञान की बात मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा तो मानना है जीवन में यदि ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं। अगर जीवन अंधकार में है, अज्ञान में भटक रहा है तो जीवन तो व्यर्थ ही। ज्ञान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, यदि ज्ञान है तो सब कुछ है। नारायणम नमस्कृते नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम मनुष्यों में भगवान का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप रहा, अवतार हुआ भगवान श्री नर नारायण ऋषि के रूप में, भगवान ने जो अवतार ग्रहण किया हम उसे नमस्कार करते हैं।
साथ ही हम देवी सरस्वती को नमस्कार करते हैं और ज्ञान अवतार श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करते हैं, ताकि इस संसार में विजय होने का हमें वो आशीर्वाद प्रदान करें इस संसार में और स्वयं पर भी। अगर इस संसार में विजय पाई तो क्या पाया यदि स्वयं पर विजय ना पा सके। तो अपने अंदर के सभी विकारों पर विजय पाने के लिए और इस संसार के अंदर विजय पाने के लिए हम उन सभी को नमस्कार करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपकी राशि के अनुसार, राशि अक्षर के अनुसार आपकी राशि को बताते हैं। अगर आपका नाम अ से शुरू होता है तो आपकी राशि मेष राशि यानी कि एरीज राशि है। मैं आपको बताने जा रही हूं कि राशि आखिर क्या है और कैसे उसे देखें। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वो भी भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके हिसाब से चंद्रमा जिस घर में स्थित होता है उसे राशि माना जाता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में अपनी राशि देखना चाहते हैं तो आप अपनी असली राशि इस प्रकार से देख सकते हैं। आप सभी के पास अपनी जन्म कुंडली की फाइल अवश्य ही होगी। उस फाइल के अंदर जो पहला पेज आपके पास है, उस पेज में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको राशि एवं राशि स्वामी आपको पढ़ने में आएगा। जैसे ये जो जन्म कुंडली मेरे हाथ में है, इनका जो राशि है वो धनु है और राशि स्वामी उनका गुरु है। पहले ही पेज पे राशि एवं राशि स्वामी दिया जाता है। और यदि पहले पेज पे आपको ना मिले तो आप अपने जो जन्म कुंडली का जो चार्ट है, जो लग्न कुंडली आपकी है, उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? ये जो चार्ट आपका है, ये जो आपका जन्म कुंडली का जो चार्ट है, जो पहला चार्ट जिसमें लग्न कुंडली लिखा होता है, आपने इसे देखना है और इसे देखते हुए आपने अपने चंद्रमा को देखना है। जहां पे चंद्र लिखा है उसे देखना है। चंद्रमा जिस घर में बैठा है उस नंबर को आप देखें और जो मैं क्रम बता रही हूं उसके हिसाब से आप अपनी राशि देख सकते हैं। चंद्रमा जिस जैसे इधर 9 नंबर में बैठा है तो यानी कि इनकी इस कुंडली की जो राशि है वो धनु राशि है। अगर आपका चंद्रमा पहले नंबर में बैठा है तो आपकी राशि मेष राशि है, आपकी राशि एरीज है। अगर 2 नंबर में बैठा है आपका चंद्रमा तो आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है, टॉरस राशि। अगर 3 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि मिथुन राशि है, जेमिनी राशि है। अगर 4 नंबर में बैठा है तो आपकी राशि कर्क राशि है, कैंसर राशि है। अगर 5 नंबर में बैठा है चंद्रमा तो सिंह राशि आपकी बनी, लियो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अगर 6 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है तो वो कन्या राशि बनी आपकी राशि, और इंग्लिश में उसे वर्गो कहते हैं। अगर 7 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो तुला राशि बनी, लिब्रा जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगर आपका जो चंद्रमा है वो 8 नंबर में बैठा है तो वो वृश्चिक राशि बनी, इंग्लिश में जिसे स्कॉर्पियो कहते हैं। अगर 9 नंबर में बैठा है जैसे इस जन्म कुंडली में था तो आपकी राशि धनु राशि, इंग्लिश में जिसे सैजिटेरियस कहते हैं वो बनी। अगर 10 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो वो मकर राशि बनी, कैप्रिकॉर्न जिसे कहते हैं। अगर 11 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है तो उसके लिए आपकी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि बनी, और अगर 12 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है तो मीन राशि आपकी बनी जिसे हम पाइसिस कहते हैं इंग्लिश में। आप इस सरल विधि से स्वयं ही अपनी राशि को देख सकते हैं, क्योंकि असली राशि वही होती है जो हम जन्म कुंडली के हिसाब से देखते हैं। जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्रमा आपका जिस घर में बैठा है आप उस नंबर को देखें, उसी के हिसाब से आपकी असली राशि होती है और वही आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। यदि आप राशिफल देखें तो यदि आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से कोई उपाय करें, राशि के हिसाब से कोई उपाय करें, तो आपको वो ही सूट करेगा कि आप अपनी सही राशि यानी कि चंद्र राशि के हिसाब से उपाय करें, क्योंकि वही सबसे असली राशि होती है, सही राशि होती है चंद्रमा के हिसाब से। अब बात आती है कि नाम के हिसाब से हम राशि देखें। अब देखिए, यदि बचपन में आपका नाम आपकी जन्म कुंडली के ऊपर ही रखा गया है, यानी कि जब आपकी जन्म कुंडली बनी और माता पिता ने आपका नाम जन्म कुंडली के पहले अक्षर के हिसाब से ही रखा है, तो उस केस में आपकी जो असली राशि है और जो नाम राशि है वो दोनों एक ही होगी।
लेकिन अगर आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने आपका नाम या पंडित जी ने आपका नाम अपनी इच्छा से रखा है, अपनी रुचि के अनुसार रखा है, तो आपकी बोलते नाम की राशि दूसरी हो गई। तो उस केस में अगर आपकी जन्म कुंडली है, आप तब भी अपनी असली राशि अपने जन्म कुंडली के हिसाब से ही देखें, आपको वो सबसे ज्यादा सूट करेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली है ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जन्म की तारीख समय नहीं पता, तो जन्म कुंडली बनेगी कैसे, तो उस स्थिति में फिर जो आपका नाम है और नाम का जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से ही आप अपनी राशि देखें, क्योंकि फिर आपके बोलते नाम की राशि ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी राशि देख सकते हैं और राशि के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपाय कर सकते हैं, आप अपनी तरक्की के लिए उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, अगर आपको लगता है आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या कहीं कोई रुकावट, कोई ब्लॉकेज आ रही है, आपको लगता है धन से संबंधित कोई समस्या है, आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से संबंधित कोई समस्या है, आपके एजुकेशन या करियर से संबंधित कोई समस्या है, या आपकी प्रेम से संबंधित या शादी से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। हमारे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन पे डायल करके आप मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से परामर्श ले सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी फीस हमारे यहाँ लगती है जो कि हमारे इस शनिपीठ मंदिर के संचालन के लिए प्रयोग की जाती है, और इसके साथ ही जो हम अन्य सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम प्रसाद वितरण करते हैं, गरीबों के बीच में अन्नदान करते हैं, जो मैं गरीब लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हूँ ताकि वो अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जीवन में कुछ कर सके, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए व्हाट्सएप की एक वीडियो कॉलिंग बुक करा सकते हैं। मैं अथवा गुरु जी आपकी जन्म कुंडली हम देख करके आपकी सभी प्रकार की परेशानियों के उपाय आपको देंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, अपने मुनियों की परंपरा पर पूर्ण विश्वास है। अगर हम श्रद्धा पूर्वक आपके लिए निवारण करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन के सभी अभाव दूर होंगे, सभी कष्ट दूर होंगे। 133 देशों से हमारे पास लोग आते हैं जो बहुत ही निराश हो चुके हैं, जो बहुत परेशान हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे, और भगवान की कृपा से, भगवान श्री शनि देव की शनि पीठ की कृपा से वो अपने जीवन में आगे उन्नति और तरक्की आज कर रहे हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। एक शिष्य था, उसके मन में एक दिन बहुत उत्कंठता हुई कि मैं अपने गुरु से जाकर के एक ऐसा मंत्र प्राप्त करूं जिससे मैं संसार का सबसे भाग्यशाली, सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, सबसे खुशहाल, सबसे समृद्ध। वो अपने गुरु के पास गया, उनको प्रणाम किया, उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की। गुरु ने कहा, देख मैं तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र बताऊंगा जिससे तू इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे समृद्ध, सबसे खुशहाल व्यक्ति बन जाएगा। शिष्य ने कहा, गुरु जी इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा, तू कुछ समय यही आश्रम में रहे और रह करके तू यहाँ पर अपने मन को शुद्ध कर। ज्ञान तो देखो तभी उतरता है जब हम अपने अहंकार को नष्ट कर सके। जिस प्रकार से एक बोतल होती है, एक गिलास होता है, मान लो एक बोतल में पानी भरा है और गिलास खाली है, यदि गिलास में आपने पानी भरना है तो क्या आप गिलास को बोतल के ऊपर रख दोगे? नहीं ना। क्या बिल्कुल बोतल के साथ रखोगे तो गिलास भरेगा? नहीं। केवल और केवल जब हम गिलास को नीचे रखेंगे, बोतल को ऊपर रखेंगे, तभी उसमें से जल उड़ेला जा सकता है। इसी प्रकार से होता है गुरु और शिष्य का संबंध, अज्ञानी ज्ञानी का संबंध, ज्ञान पाने वाले का संबंध। अगर आप सच में अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो झुकना सीखो। बिना झुके कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उस गिलास में जो खाली है कभी भी पानी भरा ही नहीं जा सकता, अगर वो बोतल से ऊपर रखा जाए या उसके समान रखा जाए। लेकिन झुकने का अर्थ ये नहीं कि आप नीचे हो गए, आप निम्न हो गए। झुकने का अर्थ केवल ज्ञान की प्राप्ति है। झुकने का अर्थ अपने अहंकार के शीश को अपने गुरु के चरणों में चढ़ाना है, और इससे ही प्रसन्न होके गुरु आप पर कृपा करते हैं, ईश्वर आप पर कृपा करते हैं।
तो गुरु ने कहा तुम यहां रहो कुछ दिन, अपने मन को जीतने का प्रयास करो, अपने मन को शुद्ध करो, फिर मैं तुम्हें वो रहस्यमय गोपनीय मंत्र बताऊंगा जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। एक महीना बीत गया, शिष्य गुरु के कही अनुसार सारी बातों का पालन करते हुए आश्रम में निवास करने लगा। गुरु उनके पास फिर से गया, गुरु जी आपने जो कहा मैंने किया और एक माह से मैं यहां पर हूं, आत्म शुद्धि कर रहा हूं, अब आप मुझे वो गोपनीय मंत्र बताएं। गुरु ने शिष्य को देखा और कहा अभी नहीं, अभी कुछ समय और तुम यहां व्यतीत करो। दो माह पश्चात, दो महीने बाद फिर से वो गया शिष्य और जाकर के उसने कहा गुरु जी अब वो मंत्र मुझे बताएं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। गुरु ने कहा अभी धैर्य रखो। फिर से तीन माह गुजर गए, तीन महीने गुजर गए, शिष्य फिर से गुरु के पास गया। गुरु ने फिर कहा अभी समय नहीं आया, अनुकूल समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। छह माह पश्चात गुरु ने स्वयं ही उस शिष्य को बुलाया, उसके कान में वो गोपनीय मंत्र बोला। ओम, शिष्य बहुत खुश हुआ, वो जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठा और ओम का जाप करने लगा कि इससे मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। वो जाप कर ही रहा था कि उसे थोड़ी ही दूरी से एक और ओम उच्चारण की ध्वनि आने लगी। उसने जाकर के देखा तो देखा कि कोई और शिष्य ओम का उच्चारण करते हुए वहां पर जाप कर रहा है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह तो गोपनीय मंत्र था, लेकिन हो सकता है गुरु ने प्रसन्न होकर इसको भी लिया हो। अगले दिन सुबह वो बाजार गया और बाजार में उसने देखा एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बात कर रहा। बात शुरू करते हुए उन्होंने कहा हरिओम, खत्म करते हुए भी कहा हरिओम। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इन्हें भी पता है ओम। फिर वो निकल ही रहा था कि उसने एक विद्यालय, एक स्कूल देखा। उस स्कूल में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और प्रारंभ करने से पहले ही ओम का उच्चारण उन्होंने किया। उसे फिर से और आश्चर्य हुआ, इन्हें भी पता है। और आगे बढ़ा तो उसने देखा महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, तो एक दूसरे को नमस्कार की जगह वो कहती है ओम। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, जहां देखे हर कोई ओम का उच्चारण कर ही रहा था। उसे बहुत क्रोध आया, वो अपने गुरु के पास गया। उसने कहा छह माह मैंने आपकी सेवा की और आपने मुझे कहा कि आप मुझे गोपनीय मंत्र देंगे और आपने मुझे ओम बताया। अरे ओम तो सार्वजनिक है, सभी को पता है, इसमें गोपनीय क्या है। गुरु ने कहा बात तो तू सत्य कह रहा है, ओम तो सभी को पता है, ये कोई गोपनीय मंत्र नहीं है। चल एक काम कर, तू मेरा एक और कार्य करेगा तो मैं तुझे वो गोपनीय मंत्र बता दूंगा। गुरु ने अंदर जाकर के कुटिया से एक बहुत बड़ा पत्थर निकाल करके उस शिष्य को दिया और कहा कि जाकर के बाजार में जाना और इस पत्थर को तू बेचने का प्रयास करना और तू जानना कि कौन इसके लिए कितना मूल्य देना चाहता है, कितने पैसे देना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल उसका मूल्य जानना है। यदि इसका सही मूल्य तू मुझे आकर के बता देगा तो वो गोपनीय मंत्र मैं तुझे बता दूंगा। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, वो गया एक सब्जी वाले के पास और जाकर के उसे कहा भैया तुम ये पत्थर खरीदोगे। उसने कहा भैया मैं तो सब्जी बेचता हूं, पत्थर खरीद के क्या करूंगा, फिर भी ये पत्थर काफी बड़ा लग रहा है, तुम कहो तो मैं खरीद भी लूं और इसे अपने बाकी पत्थरों के साथ सब्जी को तोलने में प्रयोग कर सकता हूं। उस शिष्य ने कहा कि अच्छा इसका मूल्य बताओ कितना दोगे। उसने कहा पांच रुपए। उसने कहा बस पांच रुपए। उसने कहा ये कितने से पत्थर का और कितना लेगा। वो वहां से चला गया। फिर थोड़ी दूर पर गया, उसने एक और व्यापारी से, एक दुकानदार से पूछा। उसने उसे 10 रुपए मूल्य बताया और आगे गया। वहां उसे समझ नहीं आया किससे पूछूं क्या करूं। उसने अलग अलग लोगों से पूछा, किसी ने 10 रुपए बताया, किसी ने 5 रुपए बताया, किसी ने तो लेने से ही इनकार कर दिया। एक सजने संवरने वाली लड़कियों की दुकान पर गया, वहां जाकर के उसने दिखाया तो वो कहने लगी ये किस काम का पत्थर, फिर भी तो कहता है तो चल ठीक है 5 रुपए में हम ले लेंगे और इससे अपने पैर घिस लेंगे। बड़ा हैरानगी हुई, 5, 10, 15 से कोई ऊपर ही नहीं पड़ रहा और गुरु जी ने हमको इस कार्य में लगा दिया।
इतना बेकार पत्थर। वो जा ही रहा था कि उसने देखा एक रत्नों का व्यापारी बैठा था। उसकी दुकान में गया, उसे जाकर के उसने पत्थर दिखाया और कहा कि आप कृपया इसका मूल्य बताएं, इसे मेरे को बेचना है, कितने में आप खरीदेंगे। उस जौहरी ने, उस रत्न विशेषज्ञ ने उस पत्थर को लिया और उसे ध्यान से देखा, फिर पूछा शिष्य से कि ये तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ, कहीं तुमने किसी की चोरी तो नहीं की। उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरे गुरु जी का पत्थर है, उन्होंने ही मुझे बेचने के लिए दिया है, आप बताएं कितना मूल्य आप इसका देंगे। उस जौहरी ने कहा कि ये पत्थर जानते हो है क्या। उसने कहा नहीं, ये पत्थर बहुत ही मूल्यवान रत्न है और ये इतना महंगा है कि मैं तो क्या इस पूरे शहर में इसका कोई ग्राहक नहीं हो सकता, किसी के पास इतना धन नहीं कि इसको खरीद ले, इतना महंगा है ये रत्न। अवश्य ही किसी महाराज ने तुम्हारे गुरु को प्रसन्न होकर के गुरु दक्षिणा में ये पत्थर, ये रत्न प्रदान किया होगा, ये बहुत ही मूल्यवान है, इसके लिए तो करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। उस शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, कहां तो लोग इसके 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कह रहे थे और ये बता रहे हैं ये पत्थर, ये रत्न 1 करोड़ से भी ऊपर का है, करोड़ों का है। वो दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास गया, गुरु को पूरी बात बताई। गुरु ने कहा देख पत्थर तो वही है, तो उन्हें किसी को दिखाया उसने 5 रुपए कहे, किसी को दिखाया उसने 10 रुपए कहे, किसी और को दिखाया उसने करोड़ कहे, और ये पत्थर तो वही। इसी प्रकार से मैंने तुझे एक मंत्र दिया, ओम। ये जो मंत्र है, ये इसका जो रहस्य है, इसका जो मूल्य है, केवल एक जौहरी ही समझ सकता है, एक ज्ञानी ही समझ सकता है। जैसे इस पत्थर की वास्तविक कीमत, इस पत्थर का वास्तविक मूल्य एक जौहरी ही समझ सकता है, उसी प्रकार इस गोपनीय मंत्र ओम का उच्चारण केवल और केवल एक ज्ञानी ही समझ सकता है। मैंने तुझे सही मंत्र बताया, तू इसी का जाप मंत्र करता रहे और जीवन में तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। भक्तगण, ज्योतिष भी इसी प्रकार से एक मूल्यवान रत्न है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये बहुत ही गहरी शोध का विषय है, साइंस है, विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहरी तपस्या से, बहुत सारी कैलकुलेशंस करके जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया, इसे पाया, इसे समझा, तो वो स्वयं ही चकित रह गए और उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे अंकित किया। एक गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को सिखाया ताकि वो आगे लोगों का कल्याण कर सके। पूरे विश्व में, भारत के अतिरिक्त, ज्योतिष विज्ञान में इतनी गहरी खोज किसी ने नहीं की जितनी हमने की है। और बहुत सी कंट्रीज में भी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को माना जाता है, लेकिन इतना गहरा खोज उपायों के ऊपर, रेमेडीज के ऊपर, कहीं भी किसी भी विश्व के किसी कोने में नहीं है, केवल और केवल हमारे यहाँ पर सनातन हिंदू धर्म में ही। लेकिन इसका मूल्य केवल एक जौहरी ही समझ सकता है, इसकी वैल्यू केवल वही समझ सकता है जिसे भगवान पे अपार श्रद्धा हो, जिसे अपने धर्म में अपार श्रद्धा हो, जिसे ऋषि मुनियों की तपस्या की कीमत मालूम है, अन्यथा आप ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ सकते। आपके लिए ये मामूली सा पत्थर ही रह जाएगा जिसकी कीमत 5 रुपए या 10 रुपए है। आप करोड़ों का लाभ इससे उठा ही नहीं सकते। करोड़ों का लाभ ज्योतिष से उठाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी से उठाने के लिए आपको इस ज्ञान को समझना पड़ेगा और इसके अंदर श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, तभी यह आपका कल्याण करेगा और तभी आपके जीवन के सभी दुखों को क्षण भर में चुटकी बजाते ही गायब कर देगा। तो इसलिए आज ये ज्ञान की बात आपको बता रही हूं कि अगर विश्वास से, श्रद्धा से आप ज्योतिष पर, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है, विश्वास करो, धर्म पे विश्वास करो, ईश्वर पे विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास नहीं करो। विश्वास करने से, दृढ़ विश्वास करने से ईश्वर की कृपा हमेशा हमें प्राप्त होती है, लेकिन माध्यम हमेशा कोई और बनते हैं। जिस प्रकार से
आकाश में बादल होते हुए भी आकाश स्वयं वर्षा नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर भी सीधा आपकी कृपा बरसा नहीं सकते। उन कृपा को बरसाने के लिए बादल रूपी ज्ञानी जन साधु संत की आवश्यकता पड़ती है। उनके द्वारा ही, उनके माध्यम से ही ईश्वर आपकी कृपा बरसाते हैं। तो जिन लोगों को भी इसका मूल्य मालूम है, जो सच में पारखी हैं, जो सच में विशेषज्ञ हैं, वो ही ज्योतिष का महत्व समझ सकते हैं, इसका मोल समझ सकते हैं, इसका मूल्य समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो आज की इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान आप सभी पर कृपा करें, आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। जय शनि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लाखो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। एक ओर गुरु खड़े हैं, दूसरी ओर ईश्वर खड़े हैं। कबीर दास जी दोनों के मध्य में ये विचार कर रहे हैं कि मैं किसके चरण पहले छूं, मैं किसकी वंदना प्रथम करूं, मैं किसके आगे पहले शीश झुकाऊं, किसकी पूजन करूं। फिर उनके मन से ये पुकार उठती है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैं ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूं जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, मेरे जीवन में ईश्वर आए। इसलिए सर्वप्रथम श्री कबीर दास जी कहते हैं, मुझे गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। हमारे इस भारत वर्ष की सुंदर परंपरा, जहां सबसे ऊपर हमने गुरु को स्थान दिया, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु है वो सबसे भाग्यशाली है। गुरु का आशीर्वाद हमारे सर पे एक अभय कवच होता है, एक रक्षा कवच होता है। जिसके भी जीवन में गुरु होते हैं वो नित्य ही नई ऊंचाइयों पर बढ़ने लगता है। वो अज्ञान अंधकार को छोड़ के प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, आनंद की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। और जिसके जीवन में अब तक गुरु नहीं, उसका जीवन तो अंधकार में ही भटकता रहता है। गुरु ही एकमात्र वो है जो आपको मार्ग दिखाते हैं। जहां जीवन भटक रहा होता है अंधकार में, आपको प्रकाश की ओर, उन्नति की ओर, कल्याण की ओर लेकर के जाते। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा सदगुरु अब तक नहीं आया, आप भी अपने जीवन में अब भी भटक रहे हैं, तो आप हमारे गुरु जी, गुरु रजनीश ऋषि जी एवं मुझसे, गुरु मारुकमणी जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे एवं गुरु जी से सदा सदा के लिए जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपने लिए उन्नति के नए द्वार खोल सकते हैं, अपनी सभी कष्ट और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। गुरु दीक्षा हमसे प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर आप हमें केवल और केवल व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप में अपना पूरा नाम, अपना जन्म का तारीख हमें भेजें, ताकि हम गुरु दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाते हुए समस्त योग के शिष्यों को गुरु दीक्षा प्रदान कर सके। ये एक ऐसा रिश्ता होगा जिससे सदा सदा के लिए आप हमसे और हम आपसे जुड़ जाएंगे और हम अवश्य ही आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन देंगे। हमारी समस्त पूजाओं में, हमारे समस्त कार्यों में, हमारे समस्त पुण्यों में आपका भी योगदान होगा, आपका भी भाग होगा, क्योंकि फिर आप हमारे ही परिवार के एक सदस्य होंगे, आप हमारे ऋषि परिवार के एक सदस्य बन जाएंगे। अब तक गुरु रजनीश ऋषि जी से एवं मुझसे 133 देशों के हजारों लोग, जिसमें हर धर्म के, देसी विदेशी हर समुदाय के लोग शामिल हैं, वो गुरु दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
तो गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप हमें फोन ना करें, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उसी पर हमें व्हाट्सएप करें और हम समस्त योग्य शिष्यों को गुरु दीक्षा अवश्य ही प्रदान करेंगे। ओम श्री गुरुदेवाय नमः।